सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शौच के लिए गई दलित महिला से स्वर्ण जाति के लोगों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर दलितों के घर फायरिंग और पत्थरबाजी तक की गई। हो सकता है ये वीडियो आपने भी देखा हो, मगर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ऐसा हुआ? क्या वाकई में दलित महिला के साथ अन्याय हुआ? ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए किस तरह से इस वीडियो को जातिवादी एंगल दिया गया। वायरल वीडियो को जातिवादी एंगल देते हुए कई लोगों और वामपंथी मीडिया पोर्टलों में इस खबर को फैलाया गया ताकि माहौल खराब किया जा सके। दरअसल वीडियो बिहार के नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर डीही गांव का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक वामपंथी पोर्टल ने सबसे पहले इस वीडियो को शेयर किया, उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल होते ही प्रशासन से लेकर शासन तक पर दलित विरोधी होने के तंज कसे जाने लगे, मगर सच्चाई बिल्कुल जुदा है। आइए सच्चाई क्या है अब वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो बिहार के नालंदा में परवलपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर डीही गांव का ही है, ये बात सही है, मगर दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग का मामला जब सामने आया उसकी हकीकत जानकर हैरान हो जाएंगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि छेड़छाड़ से इस घटना का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मसला पहले चल रही पुरानी रंजिश और विवाद से जुड़ा है। विवाद गांव के ही मुरारी मांझी और रामबली पासवान के बीच हुआ था, और वो भी 20 अगस्त को। इस घटना में मुरारी मांझी का सिर फट गया। वहीं रविवार की सुबह रामबली पासवान के घर के लोग शौच के लिए खेतों की ओर गए तो मुरारी मांझी गुट के लोगों ने पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है इस घटना में दोनों ओर से कुछ लोग घायल हो गए, जिसका ये वीडियो है। वहीं मांझी गुट ने रामबली पासवान के घर ईंट पत्थर फेंकते हुए फायरिंग कर दी और वही वीडियो वायरल हो गया। यानी वायरल वीडियो की सच्चाई ये है कि दोनों समुदाय एससी एसटी से आते हैं, जिनके बीच पुरानी रंजिश थी। इसमें स्वर्ण जाति के लोगों ने ना ही छेड़छाड़ की और ना ही पत्थरबाजी और हाँ ना ही फायरिंग की। यानी मीडिया पर फैलाया जा रहा स्वर्णों के खिलाफ नैरेटिव फेक निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।